तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्र गौरव से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सभी को पता है कि राष्ट्र गौरव जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सभी क्लास के लिए कंपलसरी है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, आई होप आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राष्ट्र है? ऑप्शन ए के हिंदुस्तान, बी नंबर संयुक्त राष्ट्र, और सी नंबर पंजाब और हरियाणा, और डी नंबर इनमें से सभी। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जो आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा तब। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हिंदुस्तान। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रवाद का आधार है, नंबर एक धार्मिक एकता, बी नंबर भाषाई एकता, सी नंबर भौगोलिक एकता, और डी नंबर अनेकता में एकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनेकता में एकता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह हेल्पफुल हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसे बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र शब्द निम्न में से किस भाषा का है, नंबर एक पाली, बी नंबर संस्कृत, और सी नंबर प्राकृत, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र शब्द जो है वो राइट आंसर आप सभी को मालूम ही होगा, आई होप बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत राष्ट्र शब्द संस्कृत भाषा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है या क्या है या पुरस्कार है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन मतलब एक ही होगा। ठीक है, उसका ऑप्शन एक मिल जाएगा पद्मश्री, बी नंबर है पद्म विभूषण, और सी नंबर भारत रत्न, और डी नंबर है पद्मभूषण। ठीक है, पद्मभूषण। तो भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वो है इनमें से भारत रत्न, इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन को हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, नंबर एक पीपल, बी नंबर भारतीय बरगद, सी नंबर नीम, और डी नंबर है गुलमोहर। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है भारतीय बरगद। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़े हों, लेकिन मुझे वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा वीडियो के जरिए आप लोगों को तक बताना जरूरी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में, यानी कि गौरव राष्ट्र गौरव में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत की राष्ट्रीय नदी है, नंबर एक यमुना, बी नंबर गोमती, सी नंबर गंगा, और डी नंबर कावेरी। तो भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ऑप्शन एक है गंगा डॉल्फिन, बी नंबर मछली, सी नंबर मगरमच्छ, और डी नंबर है कछुआ। तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा का डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन आपने नाम सुना ही होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक मछली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं, नंबर एक आचार्य चतुर्सेन, बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर गांधी जी, और डी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, नंबर एक कमल, बी नंबर गुलाब, सी नंबर चमेली, और डी नंबर है सूरजमुखी। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है दोस्तों कमल। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कमल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, भारत में राष्ट्रगान जनगण मन को कब अपनाया गया। ऑप्शन एक है 1950, बी नंबर 1947, सी नंबर 1945, और डी नंबर 1950। तो भारत का जो भारत में राष्ट्रीय गान जनगण मन को 1950 ईस्वी में, ठीक है, अपनाया गया था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पुष्प कमल के पौधे को कहते हैं, नंबर एक कमलिनी, बी नंबर कुंडलिनी, सी नंबर कमल साख, और डी नंबर है कमल हरित। तो भारत में राष्ट्रीय पुष्प का जो पुष्प कमल के पौधे को कहते हैं हम कामलिनी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद जो भी हिंदी के सब्जेक्ट जिन भी स्टूडेंट का होगा उनको मालूम होगा कि कामलिनी क्या है, इसके बारे में एक पूरा लेसन ही है।
कामलिनी के बारे में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पंचांग में पहला माह होता है, नंबर एक चैत्र, बी नंबर बैसाख, उसी नंबर है जेठ और डी नंबर है आषाढ़। तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग में जो पहला माह है इनमें से वो है चैत्र, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में संविधान के कितने प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन है कि 50, बी नंबर है 30, सी नंबर है 22 और डी नंबर है 16। तो भारत में संविधान की जो प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है उनकी जो संख्या है वो है 22। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में हरी पट्टी का तात्पर्य है, नंबर एक है भारत का मुस्लिम समाज, बी नंबर है विकास का वैभव, और सी नंबर है भारत की कृषि, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो हरी पट्टी है उसका तात्पर्य है विकास व वैभव, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि राष्ट्रीयता का निर्धारक तत्व है, ऑप्शन ए के धार्मिक एकता, बी नंबर भौगोलिक एकता, सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीयता का निर्धारक जो तत्व है वो ए और बी दोनों है, धार्मिक एकता और भौगोलिक एकता, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहचान है, नंबर एक देशभक्त, बी नंबर अंधभक्त, और सी नंबर विदेश भक्त, और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रवाद की जो पहचान है वो है देशभक्ति, ठीक है, राष्ट्रवाद की जो पहचान है वो है देशभक्ति, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति का स्तर है जो राजभक्त के बंधन द्वारा बंधा हुआ है, ये कथन है, थोड़ा यहाँ टाइप करने में मिस हुआ है, बंधा हुआ है होना चाहिए था, ठीक है, हुआ, ठीक है, एक दो वर्ड मिस हो जाते हैं टाइप करने में, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। ऑप्शन मिल जाएगा गार्डनर, बी नंबर रिचर्ड फ्लोरनाय, और सी नंबर है जिमेरन, डी नंबर में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर रिचर्ड फ्लोरनाय, ठीक है, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, नंबर एक वीर चक्र, बी नंबर है महावीर चक्र, और सी नंबर है भारत रत्न, और डी नंबर है परमवीर चक्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल, नंबर एक फुटबॉल, बी नंबर हॉकी, और सी नंबर क्रिकेट, और डी नंबर है मैदानी हॉकी। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है मैदानी हॉकी, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग एग्जाम में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा या ये होगा, समझ लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन है कोयल, बी नंबर है नीला मयूर, सी नंबर श्वेत मयूर, और डी नंबर है बाज। तो राष्ट्रीय पक्षी कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, उसमें मैंने लिख दिया है क्योंकि वो आ नहीं रहा था ये वाला, ठीक है सा छी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोगों को मालूम ही होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन होगी कि मयूर तो है आप लोगों को पता है यानी कि मोर, पर वो नीला मयूर है कि श्वेत मयूर है ये नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको बता दूँ राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर नीला मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, मैं थोड़ा जल्दी में था, टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन डाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं और भी क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जिन मेरे स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट मिल जाएगी जिसका नाम है sandeepinfo.com, उस पर विजिट करिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह हेल्प होने, ठीक है। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।